Good morning, students. This is Renu Tamboli from Lyal Public School, your science teacher. So today we will do revision of this chapter, chapter number 10, which is about rocks and minerals. Okay. So before start to do revision, as we know that ki rocks and minerals kya hote hain, okay, and रॉक्स एंड मिनरल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. ओके अब बेटा देखिए रॉक्स कितने टाइप्स की होती है. टू टाइप्स की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स. नंबर वन इज सॉफ्ट रॉक्स एंड नंबर टू इज हार्ड रॉक. ओके सॉफ्ट रॉक्स भी होती है और हार्ड रॉक्स भी होती है. अब जैसे हार्ड रॉक में कौन कौन सा आता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना, ये ग्रेफाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सॉरी ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये क्या है, हार्ड रॉक्स है. और सॉफ्ट रॉक्स में क्या आता है बेटा, सॉफ्ट रॉक्स में आता है चॉक, स्लेट और क्या आता है, कोल. ये सॉफ्ट रॉक्स के एग्जांपल्स हैं. इसी तरीके से बेटा मिनरल्स, मिनरल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, ये सारे क्या है, मिनरल्स है. एंड वी ऑल्सो यूज मिनरल्स इन अवर डेली लाइफ. हम मिनरल्स का यूज अपने डेली लाइफ में भी करते हैं. ओके जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, तो उसका यूज क्या कौन करता है, हम वियर करते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना. आपके फैमिली में आपने देखा होगा, आपकी मदर है ना, आपके रिलेटिव्स, आपके सिस्टर, ये सब कुछ क्या है, यूज करते होंगे ना, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, है ना. अब जैसे ग्रेफाइट है मिनरल, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, जो पेंसिल लीड होती है ना, पेंसिल लीड किससे बनी होती है, ग्रेनाइट मिनरल से बनी होती है. और डायमंड का भी यूज बेटा इसीलिए होता है, डायमंड का भी यूज ज्वेलरी बनाने में होता है. ओके और जैसे क्या है, चाइना क्ले, चाइना क्ले का यूज क्या होता है बेटा, जो क्रॉकरी होती है वो बनाने में, फ्लावर वाज होता है, पॉटरी बनाने में किसका यूज होता है, चाइना क्ले का यूज होता है. और मिरर्स, मिरर्स बनाने में, ग्लासेस बनाने में सिलिका का यूज होता है. सिलिका भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल. ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. ओके अब देखिए नंबर वन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन. डिक्टेशन वर्ड्स नंबर वन क्वेश्चन. अब देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं डिक्टेशन, रॉक्स, स्टैचूज, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, टेंपल, चॉक, स्लेट, मिनरल्स, ज्वेलरी, ग्रेफाइट, डायमंड, चाइना क्ले, मिरर्स, पॉटरी एंड जेमस्टोन्स. ओके जेमस्टोन्स भी क्या बेटा, मिनरल्स होते हैं. जेमस्टोन्स जैसे रूबी, एमरल्ड, है ना, जिनका यूज क्या होता है, ज्वेलरी में किया जाता है. दीज जेमस्टोन भी क्या है, मिनरल्स से होता है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन सेंटेंस, डैश इज यूज टू मेक बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, ग्रेनाइट का, जी आर ए एन आई टी ई, ग्रेनाइट. नंबर टू, चौक, कोल एंड स्लेट आर सॉफ्ट रॉक्स, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट. नंबर थ्री, रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट डैश मिनरल्स, एम आई एन ई आर ए एल एस, मिनरल्स. Quartz is used in parts of watches. Quartz mineral का use किसमें होता है, watches के parts बनाने में. Okay. Number five sentence, gemstones are used in jewelry. Gemstones का use किसमें होता है, jewelry बनाने में किया जाता है. Put true or false. Number one, our earth is made up of rocks. True. Earth किससे बनी होती है, rocks से बनी होती है. Number two, slate is used for cooking. No. It will be false. Number three, granite is a very hard rock. True. Number four, red fort in Agra is made of white marble. Yes. No. It will be true because we will know that ki red fort kisse bana hota hai, red sandstone se. Number five, slate is used for making blackboards. Yes, it's true. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फोर, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. नंबर वन, ताजमहल. ताजमहल को किससे मैच करना है, ताजमहल व्हाइट मार्बल, बिकॉज यू नो दैट द ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. नेल्स, नेल्स किससे बने होते हैं, आयरन से. रेड फोर्ट, रेड फोर्ट किससे बना होता है, रेड सैंड स्टोन. ज्वेलरी इसका यूज होता है गोल्ड का. ओके इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम दैम.
नंबर वन द स्टडी ऑफ रॉक्स. रॉक्स की स्टडी करना क्या होता है बेटा? जियोलॉजी, GEOLOGY. नंबर टू, ताजमहल इज मेड अप ऑफ. ताजमहल किससे बना होता है? व्हाइट मार्बल. नंबर थ्री, रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ. रेड फोर्ट किससे बना है बेटा? रेड सैंडस्टोन से. नंबर फोर, इट इज यूज टू मेक पॉटरी. पॉटरी बनाने में किसका यूज होता है? चाइना क्ले का. नंबर फाइव, हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ, डायमंड. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द फॉलोइंग. नंबर वन, टू हार्ड रॉक्स. टू हार्ड रॉक्स में नंबर वन कौन सा है? मार्बल. नंबर टू इज ग्रेनाइट. सेकेंड क्वेश्चन, टू सॉफ्ट रॉक्स. नंबर वन इज चॉक. नंबर टू इज कोल. नंबर थ्री क्वेश्चन, टू मिनरल्स. आंसर, आयरन एंड क्वार्ट्ज. नंबर फोर, टू मिनरल्स यूज टू मेक ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर. नंबर फाइव, टू जेम स्टोन्स, रूबी और ग्रेनाइट. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेवन. गिव आंसर इन वन वर्ड. आपको वन वर्ड के आंसर करना है. क्वेश्चन वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरी हार्ड रॉक? ग्रेनाइट. सबसे ज्यादा जो ना हार्ड रॉक होती है उसका नेम क्या है? ग्रेनाइट. नंबर टू, विच मिनरल इज यूज टू मेक पेंसिल लीड? पेंसिल लीड बनाने में कौन से मिनरल का यूज होता है? ग्रेफाइट का, GREPHITE. नंबर थ्री, व्हाट इज यूज टू मेक मिरर्स? मिरर्स बनाने में किसका यूज होता है? सिलिका. नंबर फोर, विच रॉक इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड बनाने में कौन से रॉक का यूज करते हैं हम? स्लेट, SLATE. नंबर फाइव, व्हाट इज यूज इन वॉचेस? वॉचेस बनाने में या वॉच के पार्ट्स बनाने में किसका यूज, कौन से मिनरल का यूज करते हैं? क्वार्ट्ज, QUARTZ. क्वेश्चन एट, डिफाइन रॉक्स. रॉक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी बिग स्टोन्स. नंबर टू, मिनरल्स. मटेरियल दैट रॉक्स आर मेड ऑफ. मिनरल्स जिससे क्या बनते हैं? जिससे रॉक्स बनी होती है. मटेरियल्स दैट रॉक्स आर मेड ऑफ, चॉक. इट इज यूज फॉर राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड. चॉक का यूज हम किसमें करते हैं बेटा? ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए. क्वेश्चन नाइन, आंसर दीज क्वेश्चन. नंबर वन, वॉट आर रॉक्स मेड ऑफ? रॉक्स किससे बनी होती है? रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. रॉक्स मिनरल्स से बने होते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच रॉक इज यूज फॉर रनिंग स्टीम इंजन? स्टीम इंजन को रन करने में कौन सी रॉक का यूज करते हैं? कोल. कोल इज यूज फॉर रनिंग स्टीम इंजन. ओके, नंबर थ्री क्वेश्चन, हाउ इज चॉक यूजफुल? चॉक कैसे यूजफुल है? आंसर इज हियर, चॉक इज यूजफुल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड. चॉक का यूज हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते हैं. क्वेश्चन फोर, वॉट आर जेम स्टोन्स यूज्ड फॉर? जेम स्टोन का यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा? जेम स्टोन्स आर यूज फॉर ज्वेलरी. जेम स्टोन का यूज हम करते हैं ज्वेलरी बनाने में. ओके, सो स्टूडेंट्स, टूडे वी ऑल्सो डन and completed revision of this chapter number 10 in our science subject. Okay, I hope you very well understood about rocks and minerals. Okay, and uses of rocks and minerals also. So till then, take care, keep study hard, and yes, all the very best for exams.